हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑर्गेनाइजर्स। ऑर्गेनाइजर्स में हम आपको दिखाने वाले हैं आपके वार्डरोब के लिए ऑर्गेनाइजर, आपके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा ज्वेलरीज रखने के लिए ऑर्गेनाइजर। ऐसे अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स हम आपके लिए लेके आए हैं। आई होप आपको पसंद आएगा आज का वीडियो, क्योंकि ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत हर जगह होती है। मतलब हमारे घर में किचन हो, बेडरूम हो, लिविंग रूम हो, हर जगह में ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत पड़ती ही है अगर आप चीज़ों को अच्छे से रखना चाहते हैं तो। एंड चीज़ों को ऑर्गेनाइजर में रखने से उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है, जल्दी ख़राब नहीं होती। तो अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स आपको अगर चाहिए तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है आज का वीडियो। चलिए देखते हैं, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको होम ऑर्गेनाइजर, होम डेकोर, किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। सबसे पहला ऑर्गेनाइजर हम आपके साथ शेयर करेंगे मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट, जो कि है इस तरह का एक ऑर्गेनाइजर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छे से यूज़ हो सकता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ भी जाती हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह का दिखता है, प्लास्टिक है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है। इसमें इस तरह से दो ड्रॉर मिलते हैं जो कि रिमूवेबल है, इसको आराम से आप निकाल के साफ़ कर सकते हो, अच्छे से वॉश भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ देखेंगे इस तरह के आपको स्पेस दिए गए हैं जहाँ पे आप अपने जो भी मेकअप के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो रख सकते हैं। उसके अलावा इसमें आप अपने हेयर एक्सेसरीज रख लीजिए, जो भी आपको मतलब हैंडी चाहिए, अगर आपके सामने चाहिए जो चीज़ें वो आप इसमें डाल के रख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत अच्छी क्वालिटी है एंड प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है। अराउंड ये जब हमने लिया था ये अराउंड 290 का या ऐसे कुछ था, तो मेरे को तो बहुत पसंद आया और हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं आप इसको। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है एक इस तरह का ऑर्गेनाइज़र, ये तो मल्टी यूज़ है जिसको आप अपने किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का मिलता है जिसमें सेक्शंस बने हुए हैं और इस तरह के सेक्शंस हैं। इसको आप रेफ्रिजरेटर में यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई सब्जियां रख के रखना चाहते हो, अदरवाइज़ हम तो इसमें अपने जो भी क्राफ्ट के आइटम्स होते हैं वो हम इसमें रखते हैं। और काफ़ी ज़्यादा जगह भी है और क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। प्लास्टिक है लेकिन A1 क्वालिटी है, बहुत ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। लिड के साथ आता है, लिड लगा देंगे तो देखने में भी काफ़ी नीट एंड क्लीन लुक आता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का दिखता है। इसको भी हमने ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है, कुछ 280 ऐसे कुछ का था, तो मेरे को अच्छा लगा, क्वालिटी बहुत अच्छी है। डेफिनेटली ये भी आप ट्राई कर सकते हो, इसमें तो आप कुछ भी रख लीजिए, किचन में यूज़ करिए, बेडरूम में यूज़ करिए, अपने जो भी ज्वेलरीज हैं वो रखने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी चीज़, छोटी मोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो बहुत फैले हुए दिखते हैं। तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप लेना चाहते हो। इसके बाद मेरे पास दो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो कि ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र हैं, ठीक है। तो पहले हम आपको छोटा वाला दिखाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का, बहुत हैंडी सा है, छोटा सा, क्यूट सा है, कुछ इस तरह से आप इसको ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छे से कैरी कर सकते हो अगर आप थोड़े बहुत ज्वेलरी कैरी कर रहे हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ पे आप हैंग कर सकते हो अपनी ज्वेलरी। यहाँ एक छोटा सा पॉकेट दिया गया है। इसके अलावा ये रिंग्स के लिए है, ईयररिंग्स, पेंडेंट्स, जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो इसमें। 1 2 3 4 5 ईयररिंग अगर छोटे वाले हैं तो आ जाएंगे, अदरवाइज 4 आ जाएंगे आराम से। और ये 4 सेक्शंस है जिसमें आप छोटे छोटे अपने ईयररिंग, पेंडेंट, जो भी रखना है रख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा है, छोटा सा है, क्यूट सा है, एज अ गिफ्ट पर्पस भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट करना चाहते हैं तो भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। क्वालिटी बताएं तो बहुत अच्छी है, काफ़ी सही लगा मेरे को इसकी इसकी जो जिप की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। इसी में एक हमने बड़ा भी मंगाया था, ये देखिए ये कुछ इस तरह से बॉक्स के शेप में है और ये एक्रिलिक लगी हुई है ऊपर, ये कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें आपको 9 इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस मिल जाएंगे। इसके अलावा ये देखिए कितने सारे ईयरिंग्स, रिंग्स, जो भी आपको लगाना है आप यहाँ पे लगा सकते हो। बहुत ही अच्छा है, ये वेलवेट मटेरियल में है, मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, कलर भी बहुत प्यारा सा है। अगेन इसको भी आप गिफ्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ी सी ज्वेलरी अगर आपको लेके जानी है कहीं ट्रैवल करने के लिए तो ये आप ट्राई करिए, अदरवाइज़ इसको घर में यूज़ करने के लिए
अच्छे से ऑर्गेनाइज रखने के लिए, गोल्ड ज्वेलरी रखने के लिए इसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब जो हम आपको आइटम दिखाएंगे ये हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, बट अभी नहीं, मे बी 6 महीने हो चुके हैं मेरे ख्याल से। 6 महीने पहले हमने एक ऑर्गेनाइजर आपके साथ शेयर किया था जो कि अपने वार्डरोब के आप जो ऊपर पाइप रहती है ना उसमें लगाते हैं। तो अभी रिसेंटली मेरे को उसके लिए कमेंट आया कि मैम आप यूज़ कर रहे हो, अब आप इसका रिव्यू दीजिए। तो अब आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कैसा कंडीशन है इसका। 5-6 महीने यूज़ करने के बाद अब हम आपको इसका रिव्यू दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने इसमें कपड़े ऑर्गेनाइज करते हैं ये वैसे ही रहता है, हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। मतलब कपड़े अगर हम ऐसे ही भर देंगे तो फिर वो बेकार ही लगेगा, अगर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो अच्छा है, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से आप थोड़ा सा देखेंगे तो वो जो वेलक्रो लगी हुई है वहाँ पर थोड़ा सा खींचा हुआ है, उसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और बहुत सारे कपड़े इसमें आ जाते हैं। नॉन वोवन मटेरियल है, उस वक्त भी हमने आपको ये रेकमेंड ही किया था और आज भी हम आपको बोलेंगे कि अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। जो वेलक्रो है ये भी काफ़ी अच्छा है, जो कि अभी तक एक बार भी निकला नहीं, जब हमने लगाया था तब से लगा ही है। और हमने इसमें बहुत सारे कपड़े रखे हैं, आप देखोगे तो आपको दिखेंगे काफ़ी सारे, हमने अपने जो भी जीन्स हैं टी शर्ट्स हैं सब रखे हुए हैं। और ये अभी का कंडीशन है, जो कि हमने अभी कोई सेट नहीं किया, कुछ नहीं कि हमने वीडियो बनाने के लिए इसको सेट किया है, कुछ भी नहीं, जैसा था वैसे ही हमने वीडियो बना के आपको दिखाया। ये एक्चुअली हम अभी शेयर नहीं करने वाले थे, लेकिन अभी जस्ट 1-2 दिन पहले हमने किसी का कमेंट देखा था कि आपने उसको लिया, क्या वो झुक गया है, क्या वो मतलब पूछ रहे थे वो मेरे से कि ख़राब हो गया है क्या। तो बस आपके लिए हम रिव्यू करना चाहते थे इस प्रोडक्ट का। तो अभी तक अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे को पसंद है, इसलिए हम आपको भी रिकमेंड करेंगे, ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आइटम है मेरे पास एक इस तरह के पाउचेस वाले एक ऑर्गेनाइज़र। तो ये एक छोटा सा, आप इस तरह से इसको फोल्ड करके ऐसे करके रोल करके पैक कर सकते हो। ये देखिए ये कुछ इस तरह से पैक हो जाता है, बट जैसा हमने पिक्चर में देखा था ये मेरे को एग्जैक्टली वैसा नहीं लगा, क्योंकि पिक्चर में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन ये अच्छा है, क्वालिटी वाइज अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा सा क्लीन लुक नहीं है इसका। आप ये देखिए कुछ इस तरह का है, अंदर पाउच बने हुए हैं, पाउच की मटेरियल जो है काफ़ी अच्छी है, थिक मटेरियल है जो कि नेट की मटेरियल है। इसके अलावा आप इस पाउच को अलग अलग कर सकते हो, अगर आप सिंगल कैरी करना चाहते हो तो भी आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो, अपने मेकअप ब्रश है या मेकअप कुछ भी डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग भी निकाल के यूज़ कर सकते हैं। इसमें 4 इस तरह के मिल रहे हैं और ये देखिए ये कुछ इस तरह से है। ये देखिए वैसे देखा जाए तो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली आप ले सकते हो, लेकिन मेरे को देखने में थोड़ा सा मेसी सा लग रहा है ये। आई थिंक चीज़ें रखने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा, और बंद करने के लिए मतलब आपको इसको इस तरह से रैप करके इसको पैक करने के लिए बस ये दिया गया है, जिसको आप कुछ इस तरह से लगाएंगे और ये ऐसे करके आप इसको पैक करके रख सकते हैं। एक मिनट, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से रहेगा, ऐसे करके रहेगा। तो ठीक है, मतलब अच्छी लगी मेरे को, क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, स्पेस सेविंग प्रोडक्ट है, कैरी करने के लिए अच्छा है, अगर आप कहीं लेके जाना चाहते हो तो भी अच्छा है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, जो जिस जितना इसका प्राइस है उस हिसाब से अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है एक इस तरह का ऑर्गेनाइज़र जो कि एक्रेलिक मटीरियल में है और बहुत अच्छा है। इसको हमने बहुत बार देखा है मीशो में, लेकिन हमने मंगाया नहीं क्योंकि मेरे को लगा पता नहीं कैसा आएगा, देखने में जो बहुत ज़्यादा पिक्चर में अच्छे लगते हैं वो एक्चुअल में अच्छे नहीं आते, ऐसा हम सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने कई सारी चीज़ें, किचन के भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो पिक्चर में अच्छे लग रहे हैं मंगाए तो वो अच्छे ही आए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि नहीं अच्छे आए, मेरे को ऐसा लगता था। तो ये देखिए ये मेकअप ब्रश रखने के लिए बहुत अच्छा है, उसके अलावा कोई क्रीम है, कोई कोम्स हैं, ये सब रखने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इसमें 3 सेक्शन मिलेगा, एक बड़ा सेक्शन, 2 छोटे सेक्शन, और बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है इसको, काफ़ी अच्छी लगी इसकी क्वालिटी। डेफिनेटली जिनको मेकअप का शौक है वो तो ज़रूर ले सकते हैं ये वाला, और भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, ड्रेसिंग टेबल पे रखी हुई। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा ब्रशेस ये सब नहीं है, एक सेट है, मेकअप का इतना ज़्यादा शौक नहीं है, तो फिर लेकिन जिनको शौक है उनको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आता है मेरे पास एक और ऑर्गेनाइज़र जो कि एक्चुअली 2 पीसेस हैं, लेकिन फ़ोटो में वो सिंगल पीस दिख रहा था। तो ये देखिए ये इस तरह का दिख रहा है पिक्चर में,
रखें, लेकिन ये अलग हो जाता है। और ये वाला पीस जो है ये मेरे पास ऑलरेडी है, इसको हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लगा ये इसके साथ अटैच होगा, साथ में ही है अटैच होगा, इसलिए हमने मंगाया था, लेकिन ये अलग हो जाता है। तो ये तो सिंगल पीस भी अच्छा ही है। तो ये तो आप लिपस्टिक रखने के लिए, अपने जो भी नेल पेंट्स है वो सब रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे इसमें तो पूरा लिपस्टिक एंड नेल पेंट्स ही भरा होता है। तो ये हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, कम से कम 3-4 साल से यूज़ कर रहे हैं, और बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके बाद आता है ये वाला इंटरेस्टिंग आइटम जो कि बहुत अच्छा है। देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है, आपके ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ कितना सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। इसमें ड्रॉअर मिलते हैं आपको इस तरह के, तो ये देखिए ऐसे ड्रॉअर्स मिलेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉअर यहाँ पे है और एक ड्रॉअर यहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा दो बड़े बड़े ड्रॉअर्स यहाँ पे मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा है, निकल जाता है पूरा, जिसको आप वॉश करके क्लीन करके अच्छे से लगा सकते हो। एक्रेलिक मटेरियल है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है। अगेन इसको गिफ्टिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत पसंद आएगा आप जिसको भी गिफ्ट करोगे। ठीक है, तो ये दो ये पूरा भी ले लेंगे आप तो भी अच्छा ही है, क्योंकि मतलब ये वैसे तो पूरा सेट ही है। अगर आप चाहते हैं तो आपको सिंगल ऐसा वाला, सिर्फ मीशो में ऐसा वाला भी मिल जाएगा, वो हमने मीशो से ही लिया था जो मेरे पास है। ऑल ओवर बहुत अच्छा है, एक कंप्लीट पैक है जिसमें आपके काफ़ी सारे मेकअप के आइटम्स आ जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अब जो हम आपको प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, ये थोड़ा लेट डिलीवरी हुई थी इसलिए हमने इसको बाद में ऐड किया है वीडियो में। ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र का सेट है, जिसमें सेट ऑफ 2 ऑर्गेनाइजर्स मिलेंगे, दो अलग अलग साइज़ में है। मटेरियल हम आपको बताते हैं, ये नॉन वेवन मटेरियल है और इसके अंदर आपको इस तरह का एक फ्लैप मिलता है, जो अंदर आप डालोगे तो वो स्टर्डी हो जाएगा बॉक्स, और लिड के साथ है, ये लिड अटैच है, और सामने इसके हैंडल भी दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा आपको अपने वार्डरोब में यूज़ करने के लिए। इसके बाद जो छोटा वाला है, ये बहुत क्यूट है देखने में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इन दोनों की, प्राइस भी बहुत रीजनेबल था, और देख सकते हो आप ये कुछ इस तरह से बन जाता है, और इसको आप अपने वार्डरोब में कपड़े रखने के लिए, बच्चों के वार्डरोब में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ही भर देंगे कपड़ों से तो इनका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर आप इसमें लिमिटेड कपड़े रखेंगे, मतलब जितना इसका साइज़ है उतना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हो इसको। तो बस ये था आज का प्रोडक्ट्स, आई थिंक आपको पसंद तो आया ही होगा। जिनको मेकअप का शौक है, जिनको ऑर्गेनाइजेशन का शौक है, उनके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। इनमें से कुछ भी आप खरीदिए, आपको पसंद ही आने वाला है। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि आगे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाले हैं। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।